तक आपने नहीं देखा होगा कि इस देश में किसी बलात्कारी का, किसी हत्यारे का, किसी घिनौने तरीके का कृत्य करने वाले का कभी इस तरीके से इस देश में पोस्टर निकाले गए हों। कि वो लोग जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, डिसेंट पैदा कर रहे हैं, उनको आप चौराहे पर एक आतंकी की तरह, एक कातिल की तरह, एक टेररिस्ट की तरह उनका फोटो आप घुमा रहे हैं। ये मजाक है दरअसल। ये कोर्ट रूम और जज कितना प्रेशर में है, कितना दबाव में है सरकारों के, पुलिस की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आप विश्वविद्यालय के बाहर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते। देखिए कि केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरे गायब हो जाते हैं, केजरीवाल मौन हो जाता है, तो संघ द्वारा जो प्रायोजित पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सभी जो मानवादी पार्टियाँ हैं, इन सभी ने पूरी साजिश के तौर अमित शाह केजरीवाल की मीटिंग होती है उसके बाद ये पूरे दंगे को अंजाम दिया जाता है। हम लोगों ने 19 तारीख को जब पूरे देश का आह्वान किया गया था सीए और एनआरसी के खिलाफ, बनारस में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और जब हम लोग निकले मार्च के लिए तो उस समय हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सामान्य तौर पर हम समझते थे कि धारा 144 तोड़ने के खिलाफ जो एक्शन हो सकता है, पॉसिबल एक्शन हो सकता है सरकार हमारे खिलाफ, वो 155 हमारे खिलाफ लगा सकती है जिसमें हमको जमानत मिल जाएगी आसानी से। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा सरकार ने बेहद ही बर्बरतापूर्ण तरीके से 15 दिन हम लोगों को कैद रखा, और उस पर हम लोग के ऊपर क्रिमिनल एक्ट की धाराएं लगाई हैं तमाम तरीके की, और हम लोगों को आंदोलन भड़काने का, हम लोगों को दंगा कराने के लिए दोषी माना, जिसमें हम लोग बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो भाजपा सरकार का जो एक कदम है पूरी तरीके से गैर मानवीय है, और संविधान के नियमों का, संवैधानिक जो उपाक्रम है उनका विरोध करता है। ये बेहद, आप ऐसे समझिए कि सरकार चाह रही, आज ही देखा होगा कि इस देश में किसी बलात्कारी का, किसी हत्यारे का, किसी घिनौने तरीके का कृत्य करने वाले का कभी इस तरीके से इस देश में पोस्टर निकाले गए हों। लेकिन आप देखिए कि जो लोग इस देश में संवैधानिक मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में सभी संप्रदाय के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको डराने के लिए एक तरीके से सरकार चाह रही है कि जनता के जो अतिवादी तत्व हैं कहीं उनको शिकार बनाने का प्रयास करें, उनको डराने का प्रयास करें ताकि वो निकलना बैठना बंद कर दें, ताकि वो जनता के लिए लड़ना बंद कर दें। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ सभी साथियों के बतौर कि ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ, बल्कि लड़ाई बढ़ती जाएगी। सरकार अपने दुश्मन पैदा कर रही है, सरकार लोकतंत्र के नए प्रहरियों को खड़ा कर रही है, जनता के बीच में उनको मजबूत बना रही है, मेरा मानना है। आप देखिए कि पूरे भारत में सीए एनआरसी के खिलाफ जितने भी प्रदर्शन हुए, दंगा और हिंसा वहीं पे हुई जहां पे बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार रही। उसके अलावा आप पूरे उसके बाद का जो हमारा रहा है, तमाम तरीके से सरकार, जब कभी भी मोदी का विजिट होता है बीएचयू में, या कोई भी सरकारी, किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री का विजिट होता है, कुछ होता है, तो तुरंत हमको पुलिस की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आप विश्वविद्यालय के बाहर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो पहले से यहाँ दिल्ली आने से पहले ही, यहाँ पे जब एक अभी 4 तारीख को कॉल किया गया था, उसके पहले ही पुलिस वाले मुझे फ़ोन करके ढूंढ रहे थे कि आखिर आप कहाँ पर हैं, और इसके पहले मैं बताया कि मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरीके से है कि पुलिस हमको फॉलो कर रही जैसे हम कोई बहुत बड़े गुनहगार हो गए हों और हम देश को कहीं पर नुकसान पहुँचाना चाहते हों। वो उनको नहीं पकड़ रही जो अपराध कर रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, जो दंगे भड़का रहे हैं, जो हम जैसे छात्र जो इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उनका दमन करना चाहती है। क्योंकि ये पूरी तरीके से आप समझिए कि सत्ता द्वारा प्रायोजित है, जो पूरी दिल्ली की हिंसा है सत्ता द्वारा प्रायोजित है। पुलिस ने, तमाम सरकारी निकायों ने इसमें सहयोग करते हुए इस तरीके के दंगे को अंजाम दिया है, और इस तरीके के दंगे को भड़काया। इसी वही वजह है कि आप देखेंगे जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरीके से जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं उनके साथ में खड़ा हुआ है। आप देखिए कि केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरे गायब हो जाते हैं, केजरीवाल मौन हो जाता है, तो संघ द्वारा जो प्रायोजित पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सभी जो मानवादी पार्टियां हैं, इन सभी ने पूरी साजिश के तौर अमित शाह केजरीवाल की मीटिंग होती है उसके बाद ये पूरे दंगे को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली की जनता को बताया जाता है, दिल्ली के जो सेकुलर लोग हैं, दिल्ली के जो है संविधान को मानने वाले लोग, उनको बताया जाता है कि हम इसी तरीके से दंगा करने वाले लोग हैं, आपने हमको गलती से चुन लिया है। वो देश को बता रहे हैं कि हम दंगाई हैं, आपने गलती से हमको चुन लिया है, अब हम दंगा तो करेंगे, चाहे आप हराइए चाहे जिताइए।
सुप्रीम कोर्ट के आप तमाम लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका आपने बयान पढ़ा होगा, उनका बयान आता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि पूरे देश की जो न्याय प्रणाली है उसको पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। वैसे भी हम इस देश की न्याय प्रणाली को मन प्रणाली कहते हैं, जनेऊ प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इस देश की जो न्यायपालिका है वो इस देश के बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से समानता पर आधारित नहीं है, सभी के लिए अवसर की समानता पर आधारित नहीं है। वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देता, इसलिए वहाँ पे ब्राह्मणवादी और मनवादी मानसिकता के लोग भरे हैं, इसीलिए वजह से गैर मानवीय डिसीजन देते हैं, जिसका परिचायक इस बार भी रहा। 21st सेंचुरी में जहाँ राइट टू प्राइवेसी है, कोर्ट ये ऑर्डर करता है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जो ऐसे लोग जो बैंक से कर्ज लेकर के भाग गए हैं, जिनका हवाला मनी में पैसे है अकाउंट में, उनका नाम उजागर करते हुए करने से सरकार डरी, नाम उजागर नहीं की, ये कहते हुए कि उनका राइट है, उनके नाम को आप डिफेम नहीं कर सकते। लेकिन आप हैं कि वो लोग जो डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, डिसेंट पैदा कर रहे हैं, उनको आप चौराहे पर एक आतंकी की तरह, एक कातिल की तरह, एक टेररिस्ट की तरह उनका फोटो आप घुमा रहे हैं। ये मजाक है दरअसल। ये ऐसे डेमोक्रेटिक स्पेस में और 21st सेंचुरी में के इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा ऐसे लोगों का, जिनको आप अनायास, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। डिसेंट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और डिसेंट देने वाले को चाहिए कि उनको स्पेस दे, आप उनको डिफेम कर रहे हैं। ये तो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और उसमें जानते हैं कौन है? एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर डीजीपी रैंक तक का रिटायर हुआ है, उसको आप कह रहे हैं ये टेररिस्ट है, ये डेमोक्रेसी के लिए खिलाफ है, ये आतंकी है, ये दंगाई है। क्या मजाक है ये? ये पूछिए कि कितना गलत है, तो मैं कहूँगा कि ये आज के मुल्क में इस 21st सेंचुरी के लिए एक बड़ा हास्यास्पद है कि आप ऐसे दौर में इस तरीके का मजाक कर रहे हैं। ये बहुत ही वाहियात किस्म का निर्णय है, इसको कितना कंडेम किया जाए कम है। वो देखिए, आज कहा जाता है कि जब एग्जीक्यूटिव और सरकारें मजबूत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है कमज़ोर हो जाता है। आपको याद होगा जस्टिस लोया का केस, और आपको उनको याद रखिए, और अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिन्होंने आधी रात को सुनवाई की दिल्ली वायलेंस को, उनका ट्रांसफ़र किया गया पंजाब कोर्ट में। ये दो केस याद रखिए, उससे फिर आप जज करिए कि कोर्ट रूम और जज कितना प्रेशर में है, कितना दबाव में है सरकारों के। और ये सरकार, ये अमित शाह और मोदी जैसे लोग जिनका हिस्ट्री है इंटरवेन का इंस्टीट्यूशंस में, डी इंस्टीट्यूशनलाइज करके अथॉरिटेरियन तरीके से रिजीम करने का, वो सीधा सीधा कोर्ट पर प्रेशर डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ऐसे में जज की परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में आज सारे जज फेल्ड हैं। वो जज इसलिए फेल्ड हैं क्योंकि जुडिशरी की भी अपनी एक लिमिटेशन है। इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। कितनी महिलाएं जुडिशरी में है बताइए, कितना दलित जुडिशरी में है बताइए, कितना माइनॉरिटी जुडिशरी में है बताएं, कितने पसमंदा मुस्लिम, कितने ट्राइबल्स जुडिशरी में है बताइए। जब रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं जुडिशरी, तो एक्सेस ऑफ जस्टिस कैसे होगा? ये डिनायल ऑफ जस्टिस है। अगर ऐसा आप एक तबके को जुडिशरी में आपने स्पेस दे रखा है, तो जब चाहेगा तब अपने तरीके से मोल्ड होगा। और आज इंडियन जुडिशरी भी अपने तरीके से मोल्ड है, बहुत उम्मीद नहीं है जुडिशरी से। पूरे सीए एनआरसी पे या दिल्ली के दंगे पे या यूपी में जो दंगा नंगा नाच हो रहा है, इस पूरे पर जुडिशरी को लेकर के हमको अब बहुत उम्मीद नहीं रह गया है कि जुडिशरी अब ये कर पाएगी, जुडिशरी के सहारे ये कुछ हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा वीकनेस है कि जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जब तक जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तब तक जुडिशरी में नेपोटिज्म है, कास्टिज्म है और पेट्रियार्की है। और ऐसे में हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो जस्टिस, स्पेशली सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाएगी। आई एम नॉट वेरी होपफुल टू इंडिया जुडिशरी राइट नाउ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।